तो गाइस अभी तक मैं थोड़ा सा आप लोगों को रास्ता दिखा रहा था, फास्ट कर रखी थी मैंने, और अब देखते हैं मज़ेदार व्लॉग हो रहा है। यहाँ तक तो रास्ता ज़बरदस्त है यार भाई। सुबह इतना पता नहीं चला था क्योंकि सुबह जो था मैं टेंशन में था क्योंकि ये लोग आगे निकल गए थे और मैं छूट गया था, पीछे अकेला रह गया था। लेकिन अब मैं इनके साथ ही हूँ। तो बाकी कुछ लोग हमारे चले गए हैं, करीब 12-13 बाइक्स थी, 4 रह गए हम लोग, क्योंकि जो 12-13 थे उनमें से 2 का एक्सीडेंट हो गया था। शायद आप लोगों को पता नहीं ऊपर की फुटेज मिल पाई या नहीं मिल पाई, ऊपर एक की क्लच प्लेट जल गई थी ऑफ रोडिंग में, और एक का एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पर आके स्टंटिंग कर रहा था, वो मेरे आने से पहले हो चुका था उसका। तो वो फुटेज तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो उन दो को पहले जाना पड़ गया और फिर और भी चले गए, इस तरीके से जो है काम हो गया सारा का सारा खराब। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो चलता ही रहेगा। बाकी अभी तक तो मैं इनके साथ सही चल रहा हूँ। मस्त व्लॉग चल रहा है रोड का फुल ऑन नज़ारा चल रहा है यहाँ पर भाई। बहुत सारे राइडर्स दिख रहे हैं, ये राइडर्स के लिए जगह है, फैमिली लाइक जगह नहीं है। एक्चुअली पहले मैंने सोचा था कि यहाँ पर ट्रैवल व्लॉगर के लिए भी कुछ बनाऊंगा, लेकिन ऊपर वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ राइडर्स के लिए ही बेस्ट जगह है यहाँ पर। राइडर्स ही आ सकते हैं, मज़ा कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, कुछ खाने पीने के लिए उनके लिए ही ठीक जगह है। आओ अपना यहाँ पर एंजॉय करो, ऊपर कुछ नहीं है, ऐसी पहाड़ों वाली जगह का ये लुफ्त है जो ना, अगर जेसी ने जो ये लुफ्त उठाना है तो मस्त जगह है ये। नहीं ये लुफ्त उठाना है ना, उसके लिए बहुत मस्त जगह है ये। ये देखो ये डॉक्टर साहब हमारे डेंटिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन बस मोटरसाइकिल का शौक है मैं भी तो केमिस्ट हूँ बस, अब मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, लेकिन हाँ राइडिंग का मज़ा आता है। लास्ट में मज़ा आया, ऊपर से ज़्यादा बेटर था कि जाके कहीं बैठो खाओ थोड़ी देर बातें करें सारा ग्रुप में बैठ के, वो बेटर चीज़ थी, मज़ा वहाँ आया। बहुत अच्छी जगह थी, बहुत सुंदर जगह मिल गई पहाड़ों की और कोई आज गिर्द गिर्द और इस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगा, मज़ा भी आया इस चीज़ को लेकर। अब ये भगा रहे और मैं पीछे रह गया हूँ यही होता है क्योंकि इनकी तो बाइक्स हैं एकदम तुरंत पहुँच जाती हैं, अपना तो स्कूटी है, तो भाई थोड़ा सा तो परेशानी होती है देखो पूरी स्क्रीन से आउट हो गए हैं, वो दिखा लास्ट बंदा डॉक्टर साहब तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो अभी तो एंजॉय करने आए हैं, अपना पेट्रोल समय नष्ट कर रहे हैं तो एंजॉय ही करेंगे, मेरे पीछे रुकेंगे थोड़ी ना, नो मैटर। लेकिन ये है हाँ, बस बढ़िया रहा, ओवरऑल रिस्पांस बढ़िया रहा, ठीक है, आना बनता है, नेक्स्ट भी आऊँगा जल्दी, एक बार और बनाऊँगा इनके साथ में। आते टाइम तो ये सब चीज़ें इतना वो नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा जाते का ब्लॉग ज़रूर बनाऊँ क्योंकि आपको पूरी सड़क दिखाऊँ। भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है राइडर के पर्पस से, बस एज ए राइडर, बस मेरी ये वीडियो इसी चैनल तक ही रह जाएगी, दूसरे किसी चैनल पे नहीं आएगी। बाकी जैसे मैं जाता हूँ हर जगह की निकाल लेता हूँ फुटेज, तो उस तरह से यहाँ नहीं हो पाएगा। गुल गुल थी, गुल 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 बर्ड थी ये, खैर आपको तो नहीं दिखाई दिया होगा, ये गुल बर्ड थी।
दिस प्लेस इज स्पेशली फॉर राइडर्स। हमारी नहीं बनाई मैडम ने, इनकी बनानी है। भाई हम स्कूटी वाले हैं ना। ये वाले रूट से मैं नहीं आया था। हाँ यही आया था, यही आया। हाँ हाँ यही सही आया था। आगे से यू टर्न होगा। हाँ क्या मस्त लग रहा है ना, मेरे आगे तीन तीन राइडर जा रहे हैं। फीलिंग लाइक ए वीआईपी। तीन तीन बंदे जो है मेरे आगे हैं। अब तीनों के आगे मैं पहुंच गया। टन में अभी निकल जाएंगे ये लोग। चलिए अभी इन लोगों से जब विदाई लूंगा तब आप लोगों को फिर साथ में लेता हूँ। अभी थोड़ा सा रुकता हूँ।